हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सॉल्व कर रहे थे क्लास टेंथ का 2018 का बोर्ड का पेपर जो है मैथ का। आज का क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट करेंगे। तो इसमें बोलता है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। तो कुछ एवरेज स्पीड थी, हमें नहीं पता, तो 63 किलोमीटर तक तो स्पीड उस स्पीड से चली। उसके बाद बोलता है ट्रैवल करती है, बोलता है 72 किलोमीटर, जिसमें कि इसकी एवरेज स्पीड रहती है 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। जो पहले उसकी एवरेज स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड उसकी रहती है। तो अगर उसको बोलता है इफ़ इट टेक 3 आवर्स टू कम्प्लीट टोटल जर्नी, तो पूरी जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए 3 घंटे इसको लगते हैं, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो हमने मान लिया कि लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड जो है वो है एक्स किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड इंक्रीज हुई 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसके बाद अब उसकी स्पीड में भी नेक्स्ट न्यू स्पीड जो हो जाएगी, न्यू स्पीड जो है वो कह रहा है कि भी 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो जितनी भी ये स्पीड थी उसमें 6 किलोमीटर पर आवर जोड़ दो, तो इतनी न्यू स्पीड बन गई। तो अब इसमें आता है कि भाई टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर को कवर करने में। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 63 किलोमीटर का ही है, और उस समय जो उसकी स्पीड जो थी वो स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 63 किलोमीटर उसने एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर करा है, तो इतना आवर्स हो जाएगा। वहीं पे अगले जो 72 किलोमीटर हैं तो उसके लिए कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू कवर 72 किलोमीटर, तो वही डिस्टेंस इस बार 72 अपॉन में स्पीड जो कि हो जाएगी एक्स प्लस 6, इतने आवर्स उसको लगे। अब क्वेश्चन में क्या था कि भाई इफ इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, तो इन दोनों स्पीड से चलने में उसको लगा 3 घंटे, तो ये स्पीड नहीं है टाइम है, तो इसलिए हम इनको प्लस कर देंगे, क्योंकि पहले चला वो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर एक्स प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों में को मिला के उसको 3 घंटे लगे। तो भाई हम टाइम ही टाइम के बराबर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर टाइम निकाला है। तो यहाँ पे भी चीज़ें कि भी इन दोनों टाइम को प्लस करेंगे तो 3 घंटे के बराबर बनेगा ये, तो इसलिए 36x प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर हो जाएगा 3 आवर्स के, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आया। ठीक है, अब सिंपल तरीके से इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में वही डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और वैसे इससे इसको डिवाइड कर तो ये बचेगा, तो 63 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 6 प्लस इससे इसको डिवाइड करा बचेगा x, तो 72 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 3। अब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 को x से करेंगे तो 63x, और 63 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 378, 72x, और ये डिनोमीटर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3। अब x वाले आपस में प्लस हो जाएंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 प्लस 72 जो होगा वो आ जाएगा 3 + 2 = 5 और 12 = 13, 135x प्लस 378, और ये साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर और इसको 6 = 18x। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई है 135x प्लस 378 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। तो इसमें x वाले टर्म जो इनको एक साइड कर देंगे, तो इन वाले को इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि अगर इसको इस साइड लेंगे तो x स्क्वायर जो है माइनस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इन्हीं को हम इस साइड ले जाते हैं लेफ्ट साइड, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस
18x इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 378 इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए 135 में से 18x को माइनस करेंगे तो आएगा 135 18, तो 5 6 7 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 11 और माइनस का आएगा 117x माइनस 378। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 3 से डिवाइड करें सबको, इसको डिवाइड करा तो एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करा तो 3 3 9 3 9 27, और ये भी डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 2 6 3 6 18, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको भी सिंपल तरीके से करेंगे, एक्स के आगे कोफिशेंट जो एक है इससे मल्टीप्लाई कर दो, 126 ही रहेगा, फिर इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 6 12 2 3 6 3 1 3 7 और 7 1 7, तो एक्स स्क्वायर, तो वही माइनस करके 39 आंसर आना चाहिए, वो भी माइनस में, तो इनको इस हिसाब से अरेंज करना है, तो ये रहेगा -42 क्योंकि माइनस ही करना है इनको, तो इसलिए एक प्लस में हो जाएगा 3x-126, तो ये आ गया 3 3 7 3 21 21 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो 42, और ये प्लस में ही रखा हमने। तो अब इन दोनों में से कॉमन आएगा तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो x-42, और यहाँ से सिर्फ +3 कॉमन आएगा तो x-42 यहाँ पे बचा, x-42 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बचेगा x+3, तो इसको बराबर कर दिया x-42 इज इक्वल टू जीरो और x+3 इज इक्वल टू जीरो। ओ यहाँ पे तो अब ये आ गया, अब उसके बाद x बराबर जगह 42 के और यहाँ पे x हो गया -3 के बराबर, तो यहाँ जो ये माइनस का है ये स्पीड जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये वाला स्पीड है इसकी, तो जो ओरिजिनल स्पीड जो हो जाएगी हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर, तो इतना सही था ये, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या एक दो बार वीडियो को देखना आपको समझ आ जाएगा, और किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।